वार पलटवार बहुत तेज चल रहे हैं, वो जरा सुनवाते हैं। जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है, मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे, झारखंड मुक्त मोर्चा, रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं, और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे, तो समय आने दीजिए। पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है, जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है, सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे उनसे उनको इनाम दी जाएगी। स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है ना कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं, व्यक्तिगत कामों से भी जाता है। लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई, अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। उसको करने दिए, कौन पूछ के गया था, क्या उसका नियम था जो ईडी किया उस तरह जाने का है नियम, बताइए आप लोग वो चीज तो बोलते नहीं है। जब तक 21 तारीख 29 से 31 का डेट दिया हुआ था तो कैसे चल गया वो चीज तो आप लोग बोलिएगा नहीं। तो जब 40 घंटे तक मुख्यमंत्री का आता पता नहीं था उस वक्त की आप रिएक्शन सुन रहे थे, बीजेपी ने खूब कोसा था, सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो कैश मुख्यमंत्री के आवास पर क्या कर रहा था उस बारे में बताइए, गाड़ियां सीज की गई क्यों की गई, मुख्यमंत्री 40 घंटे तक कहां कैसे सफर कर रहे थे कुछ नहीं बताया जा रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच में रुख करते हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत का। सत्यजीत, अब अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का क्या है और आप इस वक्त कहां पर मौजूद है वो भी बताएं। देखिए हम लोग इस वक्त जो है बापू वाटिका पे मौजूद है और यहाँ पे हर साल उनके पुण्यतिथि के दिन मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम होता है, राज्यपाल के साथ डायस शेयर करते हैं। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह की अनिश्चितता थी, तो उस वक्त जब गवर्नर यहाँ पे थे उस वक्त उनकी मौजूदगी नहीं थी और अब जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, पूरे कुनबे के साथ पहुंच रहे हैं। देखिए अगर हमारे पीछे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ देखिए इस आदमकद जो प्रतिमा है महात्मा गांधी की, वहाँ बाकी के नेता जो है वो पहुंच चुके हैं, बन्ना गुप्ता आपको सामने दिख रहे हैं, हाफिजुल हसन जो हैं जेएमएम कोटे से मंत्री वो दिख रहे हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं रामेश्वर उरांव जो है वो अंदर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री है, तो ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं और सीएम के आने की सूचना है, वो ट्रिब्यूट देंगे महात्मा गांधी को और ये इस ट्रिब्यूट के बहाने ये जरूर संदेश देने की कोशिश करेंगे कि रूलिंग अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है और वो लोगों के बीच हैं, कहीं एब्सकॉन्डिंग नहीं है, उनको जो फ्यूजिटिव कहा गया है या फिर ये उनके खिलाफ उनका जो है मिसिंग कंप्लेन लिखाया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, वो यही है। और जब उन्होंने ये कहा कि जब वो पर्सनल पर्पस से दिल्ली के टूर पे जा रहे हैं और उन्होंने ये समय दे दिया कि 31 को ईडी के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे 1 बजे दिन में दोपहर को और मुख्यमंत्री आवास में उनको बुलाया, तो उसके बाद जो हेस्ट है वो बेकार और जेएमएम ने कल ये कहा भी था कि प्रोपगैंडा किया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि ईडी साफ तौर से ये कहती है कि यहाँ पे जो है ईडी ये साफ तौर से कहती है कि फ्रेश इनपुट था जिसके आधार पे वहाँ रेड कंडक्ट किए गए थे, उसके बाद जो है सब कुछ पब्लिक डोमेन में, सब कुछ सामने है कि सीजर भी होता है, गाड़ियां भी वाटिका पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपसे कुछ देर के बाद। लेकिन इस बीच में बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा बयान आपको सुनाते हैं। बापू के चरण में चर्चा कुछ नहीं है, सब हम लोग इंटैक्ट है, तो नीचे हम लोग सारे लोग एकजुट है
और एक मुश्त है, सरकार टस से मस नहीं होगी। 11,000 का इनाम रखा था आपने, अरे दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए हमको, हमको दिलवा दीजिए कम से कम। मुख्यमंत्री प्रेसलेस रहे थे, मंत्री जी अरे भैया अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई बात ही नहीं है, देखा जाएगा आगे आगे क्या, इसके बाद जाएंगे हम लोग अपना गेस्ट हाउस में जाएंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे। रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वाई 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 बैग लेकर पहुंच रहे विधायक, कई मिल रही है, कई घंटे मेरे से बैग है, इसीलिए चलो देखिए। एक बार फिर से रांची लिए चलते हैं, सत्यजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, लेकिन आपको बता दें जबरदस्त राजनीतिक हलचल रांची में चल रही है। हेमंत सोरेन की अपने विधायकों के साथ बैठक चल रही है, क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। सत्यजीत, अभी तक की सारी गतिविधियों को देखते हुए आगे आप इस मामले को, इस स्थिति को कहां जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि फिलहाल जो है जो बैठक होनी थी सीएम हाउस में, एक दूसरे से मुलाकात बेशक हुई है, लोगों ने सेल्फीज और फोटो शेयर किए हैं, जो विधायक हैं उन्होंने अपने फोटो शेयर किए हैं, लेकिन ये तय है कि अभी जो है वो बैठक जिसमें हम लोग तमाम ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये विकल्प पे विचार हो सकता है, वो अभी नहीं हुआ है। वो बैठक जो है एक बार फिर बन्ना गुप्ता ये कह रहे हैं कि इसके बाद हम लोग फिर वापस गेस्ट हाउस चले जाएंगे, यानी सर्किट हाउस वो लोग दोबारा से जा सकते हैं।